The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे कि अगर आपको खांसी आ रही है, काफी समय से खांसी आ रही है और खांसी आती रह रही है, तो कहीं ये टीबी तो नहीं है, कहीं ये ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और पहले ही हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर दी गई जानकारी सारी की सारी ट्रस्टेड एंड अप्रूव्ड सोर्सेज से आती है, US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। किसी एक डॉक्टर का या मेरा ओपिनियन नहीं है, ये जनरलाइज्ड पूरी मेडिकल फील्ड का माना गया नॉलेज आपको दिया जा रहा है। So, कैसे पता करें कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, आज का ये टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टीबी होता क्या है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है टीबी के, और टीबी के स्क्रीनिंग टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के कब यूज करने चाहिए, और सिम्टम्स क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, और कौन लोग हैं जिनको रिस्क ज्यादा होता है टीबी का इन्फेक्शन होने का। टीबी का एक स्किन टेस्ट भी आता है, वो क्या है और कब कैसे किया जाता है, ब्लड टेस्ट टीबी का कैसे किया जाता है, और ब्लड टेस्ट के अपने रिस्क इन्फेक्शन के या क्या है, और उनके रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है, टीबी है या नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर टीबी होने के बावजूद उसको ट्रीट नहीं किया तब क्या होगा, और उसके अलावा उसके आगे के स्टेप्स आपको क्या उठाना चाहिए, तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक फेफड़ों का आपके इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम होता है, और ये ज्यादातर आपके लंग्स में, फेफड़ों में अफेक्ट करता है, लेकिन ये पूरी शरीर में कहीं भी अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन, किडनी, स्पाइन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियां, इनको भी अफेक्ट कर सकता है। और जो टीबी होता है, ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आपके खांसने से दूसरे को या छींकने से, आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरों को फैल जाता है, जस्ट लाइक कोविड, जैसे कोविड कोरोना फैलता था। तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? देखो, हर एक इंसान जिसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया जाएगा उसको इन्फेक्शन होना पक्का है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया जाता भी है लेकिन वो एक इनएक्टिव फॉर्म में रह जाता है, इन्हें वहां पे पनप नहीं पाता, उनका शरीर उनको दबा देता है, इसे हम कहते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको बिल्कुल भी कोई बीमारी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल कोई लक्षण नहीं आएंगे, और आप दूसरों को भी नहीं फैला पाओगे ये बीमारी। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस ऐसा आप फैला भी नहीं सकते, आपको हो ही नहीं रहा, आपका शरीर उससे लड़ जा रहा है। तो ज्यादातर ऐसे लोग बिना किसी सिम्टम के कभी कोई दिक्कत नहीं आती उनको। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ऐसे लोग जिनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया पनप रहा है, उनके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऐसे लोगों में वो और ज्यादा डेंजरस रूप धारण कर लेता है एक्टिव टीबी का। अगर किसी को एक्टिव टीबी है तो उसे बहुत बीमार महसूस होगा, उसको बीमारियों के सिम्टम आएंगे, लगातार खांसी आएगी, और वो लोगों को ये फैला भी रहा होगा। अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं किया गया समय पे तो सीरियस बीमारी, लंग्स में सीरियस डैमेज हो सकता है, बहुत सीरियस बीमारी, या इवन जान भी जाने का खतरा होता है कुछ लोगों में। तो कैसे करें इसका पता? इसके लिए सबसे बेसिक चीज होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब है कि कैसे जस्ट जनरल पॉपुलेशन को स्क्रीन करें। एक तो होता है टीबी स्किन टेस्ट, एक होता है ब्लड टेस्ट। स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ये बताता है कि आपको आज तक कभी भी जिंदगी में टीबी से इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसमें आपको कभी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, ये कभी नहीं बताएगा कि लेटेंट हुआ था कि एक्टिव हुआ था। ये सिर्फ इतना बताएगा कि आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया कभी गया कि नहीं गया। मतलब अगर इसके अंदर आपका पॉजिटिव आता है तब हो सकता है आपको लेटेंट हुआ हो, आपका खुद ही ठीक हो गया हो, सकता है आपको एक्टिव हुआ हो, आपके अंदर कुछ डैमेज हुआ। मतलब क्या, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट लेवल के टेस्ट कराने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि एक्टिव है, एक्टिव था, लेटेंट था, डैमेज हुआ नहीं हुआ। इसी टेस्ट को हम टीबी स्किन टेस्ट, पीपीडी टेस्ट, आईजीआरए इग्रा टेस्ट ऐसा भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट किसको यूज किया जाता है? आपको यूज करते हैं किसी को भी ब्लड या स्किन सैंपल से उसको स्क्रीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार के एक्टिव सिम्टम्स हैं तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जा सकता है। और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जिससे आप मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस के वार्ड में काम करते हैं, टीबी के हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके एरिया में बहुत टीबी की, तब आपका स्क्रीनिंग होना चाहिए।
सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स किसको होते हैं और क्या होते हैं टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम में खांसी आएगी। अगर खांसी तीन हफ्ते, तीन बहुत जरूरी वर्ड है ये, तीन हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी आपकी रह रही है तो एट मीन्स टीबी हो सकता है, टेस्ट कराओ। खांसी में अगर ब्लड आ रहा है बहुत बड़ा इंडिकेशन है टीबी हो सकता है। छाती में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, फटीग कमजोरी आ रही है, पसीने आते हैं शाम को, रात को शाम को पसीने आते हैं बिल्कुल अनएक्सप्लेन, बिना किसी कारण के वजन कम होता जा रहा है, तो ऐसे में आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पनप रही है, टीबी के एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। सो ऐसे केस में आपका टेस्टिंग होना चाहिए। कौन ज्यादा रिस्क में है, जो टीबी के पेशेंट्स या टीबी के हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ टीबी का रेट ऑफ इन्फेक्शन या टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, या पहले कभी एक्टिव टीबी हो चुका है और आप या किसी आपके घर में किसी को एक्टिव टीबी हो चुका है तो आपको रिस्क है। अगर आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, इम्यूनो सप्रेसिव जैसे HIV, तो उसके साथ भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप कोई इलीगल ड्रग अब्यूजर है तो रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां टीबी ज्यादा कॉमन है तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीजों में आपका रिस्क बढ़ जाता है। टीबी का स्किन टेस्ट PPD टेस्ट कैसे किया जाता है, इसमें आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वाइप करने के बाद आपके टीबी का एक PPD आप बहुत कम अमाउंट आपके चमड़ी में डाला जाता है और उससे बैक्टीरिया जो है, अगर बेसिकली इट्स नॉट अ लाइव बैक्टीरिया, वो आपको बीमार नहीं करेगा, वो एक PPD होता है उसका, उस PPD जो है कुछ ही घंटों में चला जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में पहले कभी आपके टीबी हो चुका है तो आपका शरीर उस एंटीजन को फाइट करेगा और वहां पर एक लाल सा निशान बना देगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जितना निशान आता है दैट मींस वहां पर आपके शरीर में पहले कभी टीबी का बैक्टीरिया गया है, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ब्लड टेस्ट में यही किया जाता है, ब्लड निकाला जाता है, सैंपल लिया जाता है और सैंपल से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सुई का चुभेगा, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, खून बहने का रिस्क रहता है, और कोई मेजर रिस्क नहीं है। इसके अलावा रिजल्ट्स में क्या पता चल सकता है, इसमें पता चल सकता है कि आपके अंदर ट्यूबरक्लोसिस कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट है या नेगेटिव टेस्ट है। पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है पहले कभी आपको लेटेंट या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, अब आगे का टेस्ट उसमें कराना पड़ेगा। उसके आगे का टेस्ट होगा आपके चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे, या फिर टेस्ट होगा आपके बलगम की जांच, स्पूटम सैंपल लेके स्पूटम में जांच होगी जिसमें देखा जाएगा कि उसके अंदर स्पूटम या सलाइवा, उससे जांच होगी। उसके ऊपर फिर और CT चेस्ट, HRCT चेस्ट या फिर ब्रोंकोस्कोपी जैसे टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, बट वो स्पेसिफिक लोगों में ही चूज किए जाते हैं। अगर आपको टीबी है और आपने उसको ठीक नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, दवाई नहीं ली, जबकि वो आराम से दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, तो फिर वो एक डेंजरस रूप धारण कर सकता है और डेडली भी हो सकता है। लंग्स को पूरी तरह से परमानेंट डैमेज कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, एक लंग पूरा का पूरा डैमेज होते हुए लोगों का देखा है, डेढ़ लंग डैमेज होते हुए देखा है, तो इट्स वेरी डेंजरस। सो ट्रीटिंग टीबी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कभी कभी 6 महीने, कभी साल भर, कभी 1.5 साल। तो ऐसे में कुछ हफ्तों की एंटीबायोटिक ले लेने से आपको कभी कभी अच्छा लगने लगता है, बिकॉज वो एक्टिव फेज होता है जो एंटीबायोटिक लेते हुए टीबी के बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे में बीच में टीबी का ट्रीटमेंट कभी बंद ना करें, तो एटलीस्ट 6 से 9 महीने तो आपको लेना ही लेना होता है ताकि क्योर हो जाए कम्प्लीटली और वापस ना आए, नहीं तो क्या होगा, वापस आ जाएगा और अगली बार उन्हीं नंबर ऑफ और ज्यादा लंबे समय के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। सो आपकी हेल्थ, आपके एज, आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से आपके डॉक्टर आपका डिसाइड करेंगे कि आपको एंटीबायोटिक का कोर्स करना है, कितने लंबे समय तक करना है। तो याद रखें, अच्छा लग रहा है, इवन इफ यू आर फीलिंग बेटर, अपना आपसे दवाई बंद ना करें टीबी की, ये सबसे जरूरी बात है। सो दिस इज ऑल, प्लीज शेयर दिस वीडियो। टीबी पोलियो के जैसे इंडिया से या ऐसे शहर दुनिया से निकल सकता है अगर सही मात्रा में, सही तरीके से उसका एजुकेशन हो पाए, लोग समझ पाए उसके बारे में। तो मदद करिए एक दूसरे की और हमारी इस वीडियो को शेयर करने में, और याद रखिए अगर आखिरी तक पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इसी से यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को शेयर करेगा, लोगों को रेकमेंड करेगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।